वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 15 जुलाई 2021। 15 जुलाई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? जीनोम इज मेड अप ऑफ। ये साइंस का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है? डीएनए, बी आरएनए, सी क्लोरोफिल, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है डीएनए। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं जीनोम क्या है। ए जीनोम इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। ई जीनोम कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड दैट ऑर्गेनिजम्स एंड अलाउ इट टू ग्रो एंड डेवलप। The instructions in our genome are made up of DNA. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is correct about trifid? TRIFED. पहली स्टेटमेंट क्या है? It was established in August 1987. कब established किया गया था? 1987 में। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। थर्ड स्टेटमेंट है, इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन क्या है? ओनली वन, बी टू एंड थ्री ओनली, सी सॉरी वन एंड थ्री होना था, यहाँ पे टू एंड थ्री लिख दिया, सी भी यही है, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? वन ओनली। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या गलत है? इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 ट्राइफेड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वन एंड टू का। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1987। जी हाँ ठीक है, अंडर द मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984, ना के 1956। कौन से एक्ट के तहत? मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 by the government as a national level cooperative body. It works under the administrative control of the Ministry of Tribal Affairs, na ke Ministry of Rural Development. Kiske under aata hai TRIFED? Ministry of Tribal Affairs. Chaliye next question dekhte hain. Next question hai, consider the following statements regarding the Swamitva scheme. Iske bare mein bar bar question aata hai स्वामित्व स्कीम के बारे में, ये बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है। पहली स्टेटमेंट क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। सेकंड स्टेटमेंट है, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट है, द डिमार्केशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन एरियाज वुड बी डन यूजिंग ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए ओनली वन एंड टू, बी ओनली टू एंड थ्री, सी ओनली वन एंड थ्री, डी ऑल ऑफ द अबव। इसकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज अ नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री। स्वामित्व स्कीम किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। किसके अंडर आती है स्वामित्व स्कीम? द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वन धन विकास योजना। ये स्कीम्स के बारे में बहुत याद रखिएगा, क्योंकि कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। किस स्कीम की बात कर रहे हैं? वन धन विकास योजना, जिसकी पहली स्टेटमेंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द वन धन स्कीम इन 2018। सेकंड स्टेटमेंट है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट
funded with tariff aid, providing rupees 150 crore for each 300 members, Mandan Kendra cluster. Options kya hai? A, one only one, B, only two, C, both one and two. इसकी राइट स्टेटमेंट राइट ऑप्शन है ओनली वन. पहली स्टेटमेंट क्या थी? दैट द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. लॉन्च्ड द वंदन स्कीम इन 2018. प्रीवियस ऑब्जेक्टिव में आया था ट्राइफेड. इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? ट्राइबल कॉपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड विद ट्राइफेड प्रोवाइडिंग 15 लाख फॉर ईच 300 मेंबर्स वन दन केंद्र क्लस्टर. यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 150 करोड़ नहीं दिया गया, 15 लाख फॉर ईच 300 मेंबर्स वन दन केंद्र क्लस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है P81 पोसिडोन रिसेंटली इन न्यूज इज नेम ऑफ P81 पोसिडोन किसका नाम है? ए मिसाइल, बी सबमरीन, सी एयरक्राफ्ट, डी सैटेलाइट. P81 किसका नाम है? एक एयरक्राफ्ट है P81 पोसिडोन. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. P81 इज ए लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑफर्ड बाय बोइंग फॉर द इंडियन नेवी. इसके लिए इंडियन नेवी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूईसी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी. यूवीसी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी. पहली स्टेटमेंट है द टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. सेकंड स्टेटमेंट है यूवीसी डीएक्टिवेट्स वायरसेस बैक्टीरिया फंगस एंड अदर बायो एरोसोल्स एसेट्रा विद एप्रोप्रिएट डोजेज यूजिंग 5000 NMUV लाइट. ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव. इसके राइट स्टेटमेंट है ओनली वन. सो द राइट आंसर इज ए. एक बार देख लेते हैं. पहली स्टेटमेंट क्या थी? यूवीसी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में. पहली स्टेटमेंट थी जो राइट स्टेटमेंट है द टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है देख लेते हैं. यूवीसी डीएक्टिवेट्स वायरस बैक्टीरिया फंगस एंड अदर बायो एरोसोल्स एसेट्रा विद एप्रोप्रिएट डोजेज ऑफ यूजिंग 254 NM यूवी लाइट. यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5000 नहीं है, 254 है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोलर पार्क स्कीम. पहली स्टेटमेंट है द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी वुड बी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकंड स्टेटमेंट है NTPC REL हैज बीन गिवन द गो अहेड टू सेट अप 4750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एट रन ऑफ कुच इन खवाड़ा गुजरात बाय MNRE अंडर मोड 8 अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क ऑफ द सोलर पार्क स्कीम.
ऑप्शंस क्या क्या हैं? वन ओनली, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर क्या है? बोथ वन एंड टू। जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जल जीवन मिशन। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आज फिर से न्यूज़ में है ये जल जीवन मिशन के बारे में। देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है इसकी। इट वॉज अनाउंसड बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑन अगस्त 15, 2014। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट एम्स टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री बाई 2024। थर्ड स्टेटमेंट है, द टोटल बजट फॉर जल जीवन मिशन इन 2021-22 इज रुपीज 50,011 crore। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए ओनली वन एंड टू, बी ओनली वन एंड थ्री, सी ओनली टू एंड थ्री, डी ऑल ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर है ओनली टू एंड थ्री। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्या थी जो गलत है? इट वाज अनाउंसड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन अगस्त 15, 2014। जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया है? डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। जल जीवन मिशन वाज अनाउंसड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने ही किया था ऑन अगस्त 15, 2019, ना कि 2014। ये याद रखिएगा, जल जीवन मिशन वाज अनाउंसड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 15th of August 2019। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। ग्रीन हाइड्रोजन गैस किस किस में यूज हो सकती है? स्टेटमेंट्स क्या है? फर्स्ट केमिकल, टू आयरन एंड स्टील, थ्री फर्टिलाइजर्स एंड रिफाइनिंग, फोर ट्रांसपोर्ट, फाइव है हीटिंग एंड पावर। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओनली वन टू एंड थ्री, बी ओनली वन टू थ्री एंड फोर, सी है ओनली टू थ्री और फाइव स्टेटमेंट में करेक्ट है, डी है ऑल ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर है सब की सब में यूज होता है। देख लीजिए एक बार, ग्रीन हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज्ड, इतना ही देखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज्ड इन केमिकल, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर एंड रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट, हीटिंग एंड पावर। इस तरह से याद रखिएगा क्वेश्चन को, ये सब में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CISR पे क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड ऑपरेट्स एज एन ऑटोनोमस बॉडी थ्रू द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सेकंड स्टेटमेंट है, CISR इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज द ओनली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अमंग द टॉप 100 ग्लोबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू दिस स्कीमैगो इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2021। पहला ऑप्शन है ओनली वन एंड टू, बी ओनली टू एंड थ्री, सी ओनली वन एंड थ्री, डी है ऑल ऑफ द अबोव। जी हाँ, इसकी सबकी सब स्टेटमेंट सही हैं। CISR इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट थी, इट इज द ओनली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अमंग द टॉप 100 और ग्लोबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द स्कीमैगो इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2021। जी हाँ, इन स्टेट तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। CISR के रिलेटेड इन स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्यूट एसिफेलाइटिस सिंड्रोम। पहली स्टेटमेंट है, द डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट ओल्ड एज पर्सन्स एंड कैन लीड टू कंसिडरेबल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। सेकेंड स्टेटमेंट है, जैपनीज एंसीफेलाइटिस वायरस
इज द मेजर काज ऑफ AES इन इंडिया. पहला ऑप्शन है वन ओनली, सेकंड ऑप्शन है टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव. इसकी सेकंड स्टेटमेंट ही सही है. सो द राइट आंसर इज बी. पहले स्टेटमेंट क्यों गलत है? राइट स्टेटमेंट क्या है पहली स्टेटमेंट की? द डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, नॉट ओल्ड एज पर्सन. किसको अफेक्ट करती है? द डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स एंड कैन लीड द कंसिडरेबल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी. यहाँ पे क्या दिया था? किसे अफेक्ट करती है ये? ओल्ड एज पर्सन को. कैन लीड टू कंसिडरेबल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम. कौन सी स्कीम के बारे में? RBI की कौन सी स्कीम के बारे में? रिटेल डायरेक्ट स्कीम. पहली स्टेटमेंट है ए गिल्ट अकाउंट नीड टू बी ओपन्ड अंडर द स्कीम. सेकंड स्टेटमेंट है द स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द RBI's ऑनगोइंग एफर्ट्स टू इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स एज वेल एज कॉरपोरेट सिक्योरिटीज. ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है ओनली वन. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? RBI, ये ध्यान में रखिएगा, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम. ए गिल्ट अकाउंट नीड टू बी ओपन्ड अंडर द स्कीम. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में. अंडर द RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम रिटेल इन्वेस्टर्स विल हैव द फैसिलिटी टू ओपन एंड मेंटेन द रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विद द RBI. जी हाँ, पहले स्टेटमेंट तो सही है. सेकंड का क्या है? द स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द RBI's ऑनगोइंग एफर्ट टू इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स सिक्योरिटीज, नॉट एज वेल एज कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ जीनोम एडिटिंग. ऑप्शन ए UN, बी IMF, सी WHO, डी CISR. इनकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो CISR अभी जो पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, CISR के बारे में एक क्वेश्चन भी था. तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? WHO. डिस्कशन में एक बार देख लेते हैं. WHO हैज रिलीज्ड टू रिपोर्ट्स आउटलाइनिंग ग्लोबल रिकमेंडेशंस फॉर रेगुलेटिंग ह्यूमन जीनोम एडिटिंग. इट हैज एम्फेसाइज्ड ऑन इंश्योरिंग एथिकल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी. किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट. पहली स्टेटमेंट है गेल लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज साइनड एन MOU विद UT ऑफ लद्दाख एंड LAHDC टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट है इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज विजन to ensure a carbon-free economy based on renewable sources and green hydrogen. किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट. ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था, पीछे एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. अब है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में. अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन क्या है? ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव.
इसकी, जी हाँ, सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। सो द राइट आंसर इज बी। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं क्यों गलत है। एनटीपीसी महारत्ना पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज साइनड एन एमओयू विद यूटी ऑफ लद्दाख एंड एलएचडीसी टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। किसके बीच में हुआ था? एनटीपीसी महारत्ना पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज साइनड एन एमओयू। इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सो द राइट आंसर इज बी, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई भीम पेमेंट सिस्टम। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई भीम पेमेंट सिस्टम? ए सिंगापुर, बी मॉरिशियस, सी भूटान, डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर है भूटान। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज बहुत क्वेश्चन डिस्कस हो गए।